हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैंने यूट्यूब की कुछ गलतियों की वजह से एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया था। दोस्तों, यूट्यूब ने मेरी जैसे अर्निंग कट की थी, वैसे मैंने सोच लिया था अब मुझे यूट्यूब पे काम ही नहीं करना है और मैं अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा। पर दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट किए और व्हाट्सएप पे बहुत ही सारे मैसेज किए। और दोस्तों, तब मैंने बाद में जाके सोचा कि आप लोग मुझे इतना कुछ बोल रहे हो कि भाई ऐसे मत करो और आप कंटिन्यू यूट्यूब पे वर्क करो, ये आप गलत फैसला ले रहे हो। तब जाके दोस्तों मुझे लगा मैं वाकई में एक गलत फैसला ले रहा हूँ। तो आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया। अब दोस्तों मैंने सोच लिया है मैं अर्निंग पे ध्यान ही नहीं दूंगा और मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 1.5 साल से यूट्यूब पे वर्क विदाउट अर्निंग कर रहा था और अब कुछ दिन पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो अब मैं अर्निंग की केयर करने लगा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है और अब फाइनली मैंने ये अपनी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दी है और अब मैंने सोच लिया है मुझे यूट्यूब पे काम करना है और जिंदगी भर के लिए काम यूट्यूब पे करना है। बिकॉज यूट्यूब मेरा एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था जो मैंने आज से 2 साल पहले देखा था। और अब दोस्तों मैं इस टारगेट को अचीव करने के बाद ऐसा सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल को ही डिलीट कर दूँ, तो ये मेरा सही फैसला नहीं है। तो दोस्तों अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ के चला जाऊँ या यूट्यूब पे काम नहीं करूँ, क्योंकि मैंने अब ठान ली है मुझे एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर बनना है और अब मुझे अर्निंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मुझे एक वीडियो पे कल वाली पे बहुत ही सारे कमेंट आए, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े और उसके बाद रियली मुझे एहसास हुआ, जैसे एक कहावत है दोस्तों, हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। अब दोस्तों अगर फ्यूचर में मैं एक बहुत ही अच्छा यूट्यूबर बनता हूँ तो मेरी कामयाबी के पीछे भी आप व्यूवर्स का हाथ होगा, क्योंकि आप लोगों ने कल मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, वरना मैं तो दोस्तों बहुत ही गलत फैसला ले चुका था और मैं चैनल छोड़ के भी चला जाता। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। दोस्तों आप लोगों ने रियली मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दोस्तों आप लोगों के इन कुछ वर्डों की वजह से मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अब मुझे यूट्यूब पे वर्क करना है। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर फ्यूचर में आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई भाई बहन किसी गोल को या टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो दोस्तों उसको भी आप इसी तरह मोटिवेट करना जिस तरीके से आप लोगों ने कल मुझे किया। क्योंकि दोस्तों ये कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत ही काम आते हैं मोटिवेट टाइम में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं, जब कोई बंदा डीमोटिवेट हो जाता है उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ही चलता रहता है कि तू ऐसे मत कर, उसके दिमाग में पॉजिटिव थिंक आती नहीं है। और दोस्तों पॉजिटिव थिंक कब आएगी, जब उसको कोई मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है हर एक इंसान को मोटिवेट करना दोस्तों। और कामयाबी के पीछे हमेशा बहुत बंदे फेल होते हैं अपने टारगेट में, और जब वो दोबारा सक्सेस हासिल करते हैं उनको कोई ना कोई जरूर मोटिवेट करता है। तो दोस्तों सबसे पहले यार आप लोगों का रियली बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। अगर दोस्तों आप लोगों एक नए यूट्यूबर या आपने अभी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी टिप्स देता रहता हूँ, कैसे आप लोग अपना चैनल की स्टार्टिंग करोगे, कैसे आप लोग अपने चैनल को ग्रोथ करोगे, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स देता रहता हूँ। और आने वाले टाइम में भी इन टॉपिक के ऊपर ही मैं अपनी वीडियो लाया करूँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आप भाई कमेंट में मुझसे पूछ लो। और बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हमेशा उनका रिप्लाई कर देता हूँ, और थोड़ा लेट होता है रिप्लाई करने में, तो भाई उसके लिए सॉरी, वरना मैं आप लोगों की हमेशा हेल्प करना चाहता हूँ।
तो ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।